जय श्री कृष्णा। आज हम ऑनलाइन क्लास में आत्मनेपदि धातु का रूप पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाषा में जो धातु दो प्रकार की होती हैं, एक आत्मनेपदि और पश्चनेपदि। तो आत्मनेपदि धातु का रूप पढ़ेंगे। आत्मनेपदि, आत्मनेपदि जो धातु होती है तो उसके अंतर्गत उसका रूप किस प्रकार चलता है। तो आत्मनेपदि धातु में केवल अपन लट लकार का वर्णन करेंगे। अब लट लकार का वर्णन करेंगे, सेव का अर्थ है सेवा करना। सेव धातु, सेव का अर्थ क्या है? सेवा। सेव का अर्थ है सेवा करना। धातु लट लगा, लट लगा रूप। अब ये रूप किस प्रकार चलता देखिए। सबसे पहले पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अपुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए ये रूप चलता किस तरीके से। तो अब सेव का अर्थ है सेवा का। तो सबसे पहले लेंगे प्रथम एक वचन में, सेवते सेवते सेवन्ते, सेवते 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 सेवन्ते। सेव से सेवते सेवद्वे, ये रूप देखिए सेव धातु। अब याद कैसे करना है? सेवते सेवते सेवते, सेवे से सेवते सेवते, सेवे सेवा वाये सेवा माये। अब इस रूप को तरीके से बोलना किस तरीके से है देखो। सेवते सेवते सेवते, सेव से सेवते सेवते, सेवे सेवा वाये सेवा माये। ये रूप आपको साथ साथ में याद करना है। अब यदि आपको जिस समय परीक्षा में पूछते हैं तो ऐसा पूछा जाता है कि मध्यम पुरुष सेव धातु, मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है, आपको ऑप्शन देते हैं आप असल, तो उसमें है आपको ये ध्यान रखना है कि सेवते सेवते सेवन्ते, सेव से सेवद्वे, सेवे सेवा वाये सेवा वाये। तो इस रूप को किस तरीके से साथ में आत्मसात करना है, इस रूप को तरीके से याद करना है। जब ये रूप याद होगा तो इनके अलावा और भी आपको यदि पूछा जाता है तो कभी कभी लब धातु का भी पूछ सकते हैं। लब का मतलब होता है प्राप्त करना। लब का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। लब लब। अब लब धातु का रूप अगर यदि इसके स्थान पर लब धातु का रूप लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं? तो देखो यहां लिखते हैं लभते लभ्यते लभन्ते, लभ से लभ्यते लभवे, लभे लभवे लभमे। तो इस प्रकार लब धातु का रूप भी लिखा जा सकता है। तो ये रूप आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये मस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। तो ये रूप भी आपको साथ में याद करना है। वैसे पश्चनेपदि धातु में आपको पढ़ती पढ़ता वाला रूप याद करते हैं वो पांचों लगा और एक आत्मनेपदि धातु के अंदर लट लगा भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो ये रूप भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये रूप आपको साथ साथ में दोनों तरीके
इसे याद करना है, लव का भी करना है और सेव का भी करना है। ये दोनों धातु है आपके कोष में आत्मनेपदी धातुओं के अंतर्गत, लव और सेव धातु और लट लकार ये कोष के अंतर्गत है और ये रूप आपको याद भी करना है। जय श्री कृष्ण। और ये ज्यादा से ज्यादा देखो कितने अंक का पूछा जाता है,